हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल फूड ट्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगी हलवाई जैसी मठरी घर पे कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये कितनी अच्छी बनी है। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कटोरी, अजवाइन, नमक और तेल। तेल मैंने लिया है 4 चम्मच और पानी। सबसे पहले हम लेंगे मैदा, उसमें डालेंगे अजवाइन, नमक, तेल 4 चम्मच, पर मैंने 3 चम्मच ही यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेथी की मठरी खाना चाहते हो तो इसी में ड्राई कस्तूरी मेथी मिक्स कर दीजिए, आपकी मठरी की मेथी मठरी तैयार हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है और ये जो डो है ये थोड़ा हार्ड ही रहेगा। डो हार्ड इसलिए रखते हैं ताकि हम जो मठरी बनाएंगे वो अच्छी बने। अब हम ये रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट। उसके बाद फिर से एक बार हमारे डो को गूंथ लेंगे। ये देखिए, अब हम इसके छोटी छोटी लोहिया यानी बॉल बना लेंगे। ये जो साइज़ मैं आपको बता रही हूँ ये नॉर्मल मठरी की है। अगर आप मिनी मठरी बनाना चाहते हो तो इसकी साइज़ और छोटी करनी है। ये देखिए, इसे बस हमें हाथों से प्रेस करना है। आप चाहो तो इसे बेलन से भी प्रेस कर सकते हो। ये देखिए, और जो मैंने मिनी मठरी कहा था यानी छोटी मठरी, उसके छोटे छोटे बॉल करेंगे। एक के मैंने 2 बॉल बनाए हैं। इसे हाथों से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी मठरी तैयार कर ली है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम है और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। कुछ ही देर में ये पूरी गोल्डन कलर की हो जाएगी और अब हम उसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 1 कटोरी मैदे में इतनी सारी मठरी बनाई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।